बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कोफ्तों का है, देखिए। ये खीमा, नमक, मिर्ची, हल्दी, 5 हरी मिर्ची है, 2 लाल मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज, फुल्ले चने की दाल है, पीसने का है ये। और ये मीठे सालन का है, देखिए। अदरक, नमक, हल्दी, मिर्ची, 4 हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, 2-3 गरम मसाला है ये, एक इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, एक इतना थोड़ा है, देखिए। 2 आलू, प्याज, धनी। पूरा मैं जग में डाल के पीसती हूँ। मैं डाल ये भी देखिए देखिए पीस खीमा रही डाल रही हूँ हूँ मैं। बताई ना आपको, पूरे चीज़ मैं इसमें डाल दे रही हूँ पूरा। ये कोफ्तों का है ना, पूरा डाल के पीस ले सकते। खीमा ऑलरेडी बारीक है उसका। प्याज डाल रही हूँ, देखिए 1 डली प्याज है ये। गरम मसाला, ये अदरक लहसुन, लहसुन और अदरक है, दो एक टुकड़ा अदरक है, एक 3-4 लहसुन के मैं करिया वो डाल रही हूँ इसमें। पुदीना, कोतमीर, 3 हरी मिर्चियाँ हैं, 2 लाल मिर्चियाँ डाली, अच्छा टेस्ट होते कोफ्ते बोल के। थोड़ी कोतमीर डाली, देखिए। अब ये पूरा एकदम डाल के मैं पीस लेती हूँ कोफ्तों का पूरा अलग हो। दाल अलग ये से पीस उसका लेने है, की ये फूले फुले चने की चने दाल की उसमें दाल नहीं अलग पीसी पीस जाती रही हूँ, है, देखिए। मैं उसमें नहीं पीसे जाती बोल के, ये पीस ली फूले फूले चने चने की की दाल दाल, मैं पीस ली अलग मैं। रख ले रही हूँ इसको। अब ये कोफ्तों का पूरा निकाल ली, देखिए पूरा इसका। ये लाल मिर्ची डालने का कई का मतलब है बोले तो, ये अच्छा रहता उसमें बोल के, टेस्ट अच्छा रहता उसके अंदर। मैं अभी फूले चने की दाल डाल रही हूँ। कोफ्ते कितने भी किस्म के बना सकते हैं अपन, अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं अभी ये किस्म का बता रही हूँ आपको, कोफ्ते कैसा बनाना बोल के। आसान तरीका है ये, थोड़ा तेल डाल के मिला लेना, कई को बोले तो अपने हाथ को नहीं लगता पूरा। ये देखिए मैं फूले चने की दाल डाल रही हूँ। आपके पास फूले चने की दाल नहीं रही ना, तो आप बेसन का आटा भी डाल सकते चने का। वो हाथ को लगा लेना, देखिए ऐसा तेल हाथ को लगा लेके ऐसा गोल बना लेना कोफ्ते पूरे। मैं कैसा बना रही हूँ देखिए आप लोगों, मैं बता रही हूँ आप लोगों को बना के। तो ये कोफ्तों का क्या है, अपन कोफ्तों का खोरमा, खोरमे भी बना सकता इसे, कोफ्तों के खोरमा भी बना सकते, इसका मीठा सालन भी बना सकते, आलू दाल के भी बना सकते। मैं आलू दाल के आसान बना रही हूँ, आप बता रही हूँ आपको कई को बोले तो। ये कोफ्तों का इस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खोरमे का भी बना बताऊँगी एक बार। कोफ्तों को अंडा भी डालते बहुत जने इसके अंदर, मैं तो अंडा नहीं डालती इसमें कोफ्तों में, कोसे भी कोफ्तों में अंडा नहीं डालती मैं, मेरे को अच्छा नहीं दिखता वो। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग डालें तो डालो आप लोग। तो देखिए मैं गोल कैसा बना रही हूँ, आसान है ये कोफ्ते बनाना, आसान रेसिपी है ये तो। मैं भी हमारे चाची के पास सीखी थी ये कोफ्तों का, समझो। तो आप लोग भी देखिए बना के, बना ली देखिए पूरा, मैं बना के देखिए रखिए। तो कोफ्ते बहुत जनों के टूटते बोलते, मेरे कोफ्ते नहीं टूटते कहीं को बोले तो। मैं इसमें ऐसा टूटे सर की एक चीज़ इसने डालती खुला खुला, आप लोगों को बताई ना मैं। आप लोगों भी देखिए मैं तल रही हूँ, देखिए। और कितना भी फिराओ इसको तेल में आप, तो उसमें टूटते इतने कोफ्ते ये मेरे कभी भी आप, मैं इससे बाद में बना के बताऊंगी आप लोगों को। देखिए तो मैं बहुत जने कच्चा भी डालते हैं उसके अंदर कोफ्ते, कच्चे डाल के पकाते हैं। मैं थोड़ा इसको अच्छा लाल करके ये करती हूँ, कहीं को बोलती है अपन पूरा पीस लेते ना, कच्ची स्मेल आती है उसके अंदर। आप लोग भी एक बार ऐसा देखिए, देखिए मैं कैसा लाल तल रही हूँ देखिए इसके अंदर। तो ये लाल तल के डालने का मतलब क्या है बोले तो, इसमें अच्छा दिखता हो बोले सर का। मैं अलग अलग तल ली थी, अब पूरे मिला दी इसके अंदर हूँ। अब निकाल लेती हूँ पूरा इसको। एक दो जगह देखी थी मैं कच्चे डाले थे उसके अंदर, ऐसा तोड़े तो कच्ची वो एकदम कच्चा दिखा मेरे को, समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसा तल के डालती हूँ, इसमें बिरयानी भी अच्छी होती है इसकी मालूम, कोफ्तों की बिरयानी। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगी वो भी। अब ये सालन बना रही हूँ देखी मैं इसका, कोफ्ते तल ली, बाजू खटा दी मैं कोफ्ते तल ले के, प्याज तल ले रही हूँ देखिए। प्याज थोड़ी तल ले के क्या करती हूँ मैं इसको, ऐसे बोले तो ये इसमें बना रही हूँ ना मैं, तो ये पूरा ग्रेवी नहीं होती बोल के मैं इसको क्या कर रही हूँ, निकाल ले के पीस लेती हूँ थोड़ा। 1 सेकंड एक इंच खटका ऐसा इसका रहता ना मिक्सर का, एक बार पीस ली देखिए मैं ऐसा करके। तो इसके अंदर सालन क्या है पूरा अच्छा होता, मतलब अपन खाए तो भी रोटी के साथ वो है अच्छा रहता समझो। तो तेल में अच्छा तल लेना है, देखिए मैं कैसा तल रही हूँ, अच्छा लाल तल लेना, कच्ची बोनी आती है। अदरक लहसुन डाल रही हूँ देखी मैं इसके अंदर। तो गरम मसाला वो है पूरा डालते लोग हमारे की, मैं नहीं डाल रही इसमें, आसान बता रही हूँ आपको, इंशाल्लाह फिर भी डाल के बताऊँगी। मिर्ची, नमक वही डाली इसके अंदर, थोड़ा मैं ये डाली धनिया पाउडर डाली थोड़ा मैं। तो आलू डाली देखिए, आलू थोड़ा अच्छा इसको ये करना। मैं प्याज के साथ दही भी मार ली थी, थोड़ा दही भी डाल रही मैं इसके अंदर, थोड़ा 1-3 चमचे दही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब इसके अंदर ऐसा ये कर लेके थोड़ा 5 मिनट ढाप के रखना आलू गले तक।
उसके अंदर मैं कोफ्ते डालती हूँ ना, कोफ्ते भी अच्छा है, एक गिलास पानी डाल के, कम से कम एक गिलास डेढ़ गिलास पानी में, देखिए कोफ्ते में डाल रही हूँ, डेढ़ गिलास पानी तो डालना, देखिए अच्छा भुने जाना हो। कोफ्ते टूटते ही नहीं, जर्रा भी नहीं टूटते, कितना भी फिरा लो क्या भी कर लो आप। अब एक दो जने बोले मेरे को कोफ्ते कितना भी बनाए तो टूटते हैं बोल के, तो मैं तो आज तक मेरे हाथ के टूटे भी नहीं कोफ्ते। अब मैं ये कर रही हूँ, देखिए पकड़े, देखिए कैसा मस्त दिख रहा है इसके अंदर, देखिए आप लोग। कई भी बोले तो ये कोफ्तों का अच्छा भी रहता, अपन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, फुलकों के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ, और दूसरा शेरवा गिरवा है तो उसके साथ भी खा सकते हैं अपन। हरी मिर्ची डाल रही हूँ, कोथमीर डाल रही हूँ, ये देखिए इसके ऊपर धीमे पे एक दो मिनट रख के निकाल सकते हैं अपन लोग। तो कितना मस्त दिख रहे। मैं आलू ज़रा ज़्यादा डाली, एक दो आलू ज़्यादा डाली, अपन आलू डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। कोफ्तों का भी मैं निकाल रही हूँ, देखिए देख कटोरे में निकाल के बता रही हूँ आप लोगों को। जर्रा भी कोफ्तों को धक्का भी नहीं लगे, देखिए एक तब देखिए आप लोग। लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए आप लोग, देखिए आप लोग भी बना के देखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और एक किस्म का बना के कोफ्तों का बताऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को।